आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला अस्पताल रुद्रपुर में धरना दिया। यूनियन आशा यूनियन असंगठित कामगार कांग्रेस। उन्हें समर्थन देने के लिए असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सीपी शर्मा जिला अस्पताल रुद्रपुर पहुंचे। आशा बहनों के साथ उनके धरना प्रदर्शन में जितेंद्र कुमार और दीप्ति गर्ग भी असंगठित कामगार कांग्रेस के पदाधिकारी के तौर पर शामिल हुए। अपने संबोधन में सीपी शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, फिर भी भाजपा सरकार उत्तराखंड की जनता की समस्याओं को हल नहीं कर पा रही है। भाजपा की सरकार ने उत्तराखंड राज्य की जनता को छलने का काम किया है। कोरोना काल में आशा बहनें अपनी जान की परवाह न करते हुए जनता की सेवा करती रही। उनके ऐसे कार्यों को देखते हुए सरकार को उनकी मांगों को मान लेना चाहिए और आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना वॉरियर्स का सम्मान देना चाहिए। सीपी शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। भाजपा को जड़ से उखाड़ने का काम उत्तराखंड की जनता करेगी। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने पर आशा बहनों की सभी मांगों को भी पूर्ण किया जाएगा, उन्हें सम्मान भी दिया जाएगा। प्रदर्शन करती आशा कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाए। कोरोना काल में काम कर रही आशाओं को प्रतिमाह 10,000 रुपए का जोखिम भत्ता भी दिया जाए। पार्टी ने इनको हमेशा सहयोग दिया और कांग्रेस पार्टी ने इनको नियुक्ति दी है और कांग्रेस पार्टी ने इनको बनाया। इन्हीं को नहीं, पूरे देश को कांग्रेस ने बनाया है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि हमारी ये आशा कार्यकर्ती, इनकी यूनियन और इनकी अध्यक्ष है ममता पानू जी जो हमारे बीच में, और सारी महिलाएं हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार इतनी निर्दयी और असंवेदनशील हो चुकी है कि इनकी जरा सी भावनाएं भी नहीं रही कि जिन महिलाओं ने अपने घरबार को छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आम जन की सेवा के लिए वो सड़कों पर, अपने हॉस्पिटलों में, अपने सरकारी योजनाओं की जो इनको आदेश मिला उसमें पहुंचने का काम किया। लेकिन ये सरकार इतनी निर्दयी हो सकती थी, हमने कभी नहीं सोचा था। इन्हीं की वोट पे बनी हुई सरकार आज इन्हीं को सड़क पर लाने का काम कर रही है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी इनको हर संभव मदद करने का काम करेगी और आने वाली सरकार जो हमारी होगी उनमें इनकी हम मांगे सारी मानने का काम करेंगे। जी, हमारा आज हमारा ये 21वां दिन है धरना प्रदर्शन का, और उससे पहले भी हमने 23 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था। डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था, और अब तक कोई भी सरकार हमारी सुध लेने यहाँ पर नहीं आ रही है। बीच में एक रिपोर्ट आई थी कि प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है, वही प्रोत्साहन राशि जो पहले हमारी थी, तो वही प्रोत्साहन राशि को काट कर इन्होंने एक बार बीच में बंद कर दिया था, वही वापस दिया गया है। और अब बोल रहे हैं कि यही प्रोत्साहन राशि में काम करेगी आशा, पर हम लोग नहीं करेंगे उस प्रोत्साहन राशि में काम। हम लोग चाहते हैं हमें वो प्रोत्साहन राशि मानदेय में बना के दे दे और हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जो हम बैठे हैं वो बंद कर देंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, 12 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हमारा कल का दिन, हमने ये लास्ट दिन था आज, तो हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। हमने बोल दिया कि उग्र आंदोलन का चेतावनी हमने पहले सरकार को दे दिया और हम करके रहेंगे।